आगे बढ़ते हैं और संतोष कुमार साहब बनारस से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, नमस्कार बताइए किस टॉपिक पे सवाल है आपका। मैडम, मेरा सवाल स्टूडेंट लोन पे और विकास लाइफ केयर पे है मैडम। क्या रेट पर बाइंग है दोनों स्टॉक में? ये स्टूडेंट लोन का मेरा 40-20 है, 700 स्टॉक है, और विकास लाइफ का मेरा मतलब एवरेज करते करते मेरा 596 है उसका, और 3,000 शेयर है, 3,500। और दोनों में ही आपका नजरिया क्या था? इसमें विकास लाइफ में तो ज्यादा नहीं था मैडम, इसमें तो लॉन्ग नजरिया था कि कम से कम 1 से 2 साल मतलब इसका रुकूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। चलिए मैं आस्था से जुड़ती हूँ। आस्था स्वागत है आपका, और सुजलोन के बारे में बात करते हैं। आस्था 40 की इनकी खरीद है। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग पूजा। माफी चाहूंगी, थोड़ा सा टेक्निकल डिलेज की वजह से थोड़ा सा लेट हुआ ज्वाइन करने में। देखिए, सुजलॉन की बात करें तो जिस तरह से अब गवर्नमेंट का पूरा एम्फेसिस विंड एनर्जी को लेके है, और एनर्जी में विंड का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन अब बढ़ने वाला है, तो सुजलॉन उसका की बेनिफिशियरी रहेगा। इनफैक्ट जो इनकी कॉस्ट प्राइस है वो 40-42 रुपए के आसपास है, और अभी 40 रुपए ही चल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में क्योंकि गवर्नमेंट का एक और यहाँ पे व्यू है कि पावर सप्लाई टू ऑल बाय 2025-24x7 पावर सप्लाई की बात है, तो विंड एनर्जी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हुई नजर आएगी, और सुजलॉन उसमें की बेनिफिशियरी रहेगा। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर वेल पॉइज्ड है इस सेगमेंट की अपॉर्चुनिटीज को कैटर करने के लिए। खरीदारी करने की भी सलाह रहेगी, और लिया हुआ है तो बने रहिए। इनिशियल टारगेट 46 रुपए का, इसमें 46 का रख सकते हैं, और उसके बाद 48 तक के भी लेवल ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो यहां बने रहने की सलाह। आगे और बेहतर संकेत आस्था जी की राय में।